वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेएसएसबी का जो क्लास वर्क एग्जाम हुआ था, ज्यादा बड़े कहानी नहीं बनाएंगे, बस आपने सिर्फ इतना सा काम करना है कि इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि वो टीम जिन्हें जेकेएसएसबी क्लास वर्क का रिजल्ट निकालने का काम दिया हुआ है उन लोगों तक अपने इस वीडियो को पहुंचाना है। यहां पर देखिए फर्स्ट मार्च की बात करें, आप एग्जाम कवर हो गए थे, लास्ट एग्जाम फर्स्ट मार्च को था आपका, उसके बाद मेरे को प्रेफरेंस फिल करनी है, ऐसे करते गए और इस कदर डेट को एक्सटेंड करके जो लास्ट डेट रखेगी वो फर्स्ट मई रखेगी, ये कहा गया फर्स्ट मई के बाद और टाइम नहीं देगा प्रेफरेंस फिल करने का। फर्स्ट मार्च को एग्जाम हुआ था, अप्रैल का मंथ, मार्च का मंथ हमने पूरा दे दिया, अप्रैल का मंथ हमने पूरा दे दिया, दो महीने आपने दिए किस काम के लिए, सिर्फ प्रेफरेंस फिल करने के लिए, और तब तक जब हमने लास्ट प्रेफरेंस फिल नोटिफिकेशन कराया था वहां पर कहा था कि 1.21 लाख, अप्रोक्सीमेटली ऐसे कुछ कहा था कि 3.28 लाख में से 1.21 लाख इन्होंने प्रेफरेंस वगैरह फिल करिए, हम बाकी बच्चों को चांस दे रहे हैं। देखो जिन्होंने प्रेफरेंस फिल करनी थी वो इन्होंने प्रेफरेंस यहां पर फिल कर दी थी, आपने से पहले वाले नोटिफिकेशन में भी कहा था कि प्रेफरेंस फिल कर लो, उसको हमने मत बोलना, ऐसा कहा था कुछ, आपने तरह से कुछ कहा था ना, तो जिन बच्चों ने प्रेफरेंस फिल कर दी थी मानते हैं कुछ बच्चों को नहीं पता लगा आपने टाइम वगैरह दिया, ठीक है वो सब ठीक है, बट अभी यहां पर बात करें अप्रोक्सीमेटली 2.5 महीने तो होगी, 2.5 महीने का टाइम अभी तक हो गया है, अभी तक क्लास 4 का रिजल्ट नहीं आया है, यहां पर किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया, हाँ एक टाइम पे आया था कि प्रेफरेंस को लेकर इशू वगैरह हुआ है। अब आप देखो बाकी एग्जाम कंपेयर करो, कश्मीर मैरिज एग्जाम हुआ था उनका रिजल्ट कितना जल्दी आया, मानता हूँ कि वहाँ पर बच्चे कम थे, स्टूडेंट्स कम थे एग्जाम देने वाले, बट फिर भी बहुत फास्ट वहाँ पर काम किया था और बहुत ही जल्दी वहाँ पर रिजल्ट निकाल दिया था, मैं ये नहीं कहता कि हम इस एग्जाम से कंपेयर कर सकते हैं, बट हाँ आपके पास उस लेवल तक आप काम कर सकते थे, क्लास 4 का रिजल्ट जल्दी निकाल देते थे, अभी मानते हैं कोविड की सिचुएशन है, बट फिर भी आप कंटिन्यूसली कई तरह के रिजल्ट वहाँ पर पब्लिश कर रहे हो, कई तरह की चीज़ों पर काम कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो क्लास 4 का रिजल्ट में बात फोकस क्यों करूँगा, यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि प्राइवेट सेक्टर पर काम कर रहे थे, जो मेरे कॉन्टैक्ट में थे, कुछ शॉपकीपर्स थे, कुछ ऐसा प्राइवेट काम कर रहे थे जो अपना काम वगैरह छोड़ के पूरे तरह से लगे थे तैयारी करने में, क्लास 4 एग्जाम क्रैक करना है और हमें ये जॉब करनी है। अब वो स्टूडेंट्स कोई डेडिकेशन तक पढ़ रहे थे, अब उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनका रिस्पॉन्स अच्छा भी मिला है और डेली हमारे पास कमेंट आते हैं, हमें मैसेज आते हैं, पर्सनल मैसेज क्लास 4 का रिजल्ट वगैरह का आएगा और जब हम हाई थोड़े से बात करने का ट्राई करते हैं तो रिप्लाई मिलता नहीं है, तो बेस्ट होता है वीडियो बनाने का कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक मैसेज पहुंच सके कि आपने काम करना है, मेरी बात रिप्लाई नहीं करे तो कोई इशू नहीं आपको, एटलीस्ट जो इतने सारे स्टूडेंट्स 3.28 लाख स्टूडेंट्स है ना, तकरीबन 3 लाख के करीब बच्चे होंगे जो वेट कर रहे हैं क्लास 4 का रिजल्ट का, 3 लाख के मानते जो स्टार्टिंग में 1.21 लाख ने प्रेफरेंस फिल करी थी, तो 1.5 लाख बच्चे भी कम है, एटलीस्ट कम से कम एक नोटिफिकेशन निकालो, अगर रिजल्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही तो एक बार वो पब्लिक में जाकर जो अपने जेकेएसएसबी की वेबसाइट है वहाँ पर पब्लिश कर दो नोटिफिकेशन है कि हम रिजल्ट क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या रीजन उसके पीछे होगी, हमारे पास कई तरह की वीडियोज वगैरह आ रही है, कई तरह के मतलब रिकॉर्डिंग्स वगैरह आ रही है, मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा फिलहाल, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे बनाए गए हैं, बट एटलीस्ट आप अपनी तरफ से नोटिफिकेशन निकालो, उसमें बताओ कि अगर आप डिले कर रहे हो तो उसका रीजन क्या है, रिजल्ट डिले करने का इतना टाइम क्यों लग रहा है रिजल्ट पब्लिश वगैरह करने में, एक बार वो सब बता दो, अगर वो सब नहीं बताना पॉसिबल बनता है, कुछ लिमिटेशन रहती है यहाँ पर, लिमिटेशन कह रहे हो कुछ मतलब आपको कभी कंफाइंड रहता है किसी तरह से, तो आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऐसा नोटिफिकेशन निकाल जाता है, आइडिया लग जाए कि हाँ रिजल्ट अब तक आ सकता है, ऐसे मई का मंथ में निकल जाएगा, जून में निकल जाएगा, आप पता नहीं रिजल्ट वगैरह कब आएगा, तो इससे कई तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है, तो हमें सच भी मानना पड़ता है कि हाँ जो वीडियोज हमारे पास आ रही हैं जिस तरह के सोशल मीडिया में कुछ ऐसे हैं जहाँ पर वो फैला रहे हैं वीडियो वगैरह, तो हो सकता है कि हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस तरह की बात में फिलहाल ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी है लास्ट में एंड यही कहना चाहूँगा आपको, सबसे पहले तो ये काम है कि रिजल्ट जल्दी जल्दी पब्लिश करो, अगर कहीं तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो एटलीस्ट एक बार यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाल सकते हो ना, किसी तरह नोटिफिकेशन निकाल जहाँ पर रिजल्ट के बारे में बताओ, और 2.5 महीने का टाइम हो गया, इतना ज्यादा टाइम भी लगे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास 4 के एग्जाम का वेट कर रहे हैं, और सभी मैं अपने पर्सनली बात करूँ, मैं डेली मतलब सभी अभी काम करूँ 15-20 मिनट के बाद मैं जेकेएसएसबी की वेबसाइट पर चेक करूँगा, फिर एक घंटे से चेक करूँगा भी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, इतना टाइम हो गया है, और ऐसे सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स और हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट चाहिए अपना, एक ऐसा रिजल्ट चाहिए उनको लगे कि यहाँ कटऑफ कितना रहने वाला है, अगर मैं आपको पर्सनल मैसेज स्क्रीनशॉट दिखाना स्टार्ट करूँ तो अभी इतना डेल होगा मैसेज का नाम दिखा होता है कि मेरे इतने नंबर आए क्या मेरा चांस है, मेरे इतने मार्क्स है, कितना चांस है, रिजल्ट कब आएगा, ये देखो मैंने देखा ये चीज होते हुए देखी इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट इन सब बातों से पीछे हटना है, मैंने ट्राई किया कॉन्टेक्ट करना है किसी तरह रिप्लाई नहीं मिलता, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी देखा की टीम है जो रिजल्ट निकालना चाहते हैं, फिर से बार बार मैं एक बात बोलूँ कि नोटिफिकेशन निकाला, सबसे पहला काम तो कि रिजल्ट पब्लिश करो जल्दी से जल्दी, अगर नहीं कर सकते जनरल रीजन है तो हमें रीजन बताओ क्यों रिजल्ट नहीं निकाल दिया, कोई डेट वगैरह बताओ, टेंटेटिव रेडी बताओ सही रिजल्ट आ जाएगा, ताकि सभी बच्चों को थोड़ा लगे कि हाँ हमें इतना और वेट करना पड़ेगा, इस तरह कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बाकी जो भी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं क्लास 4 के एग्जाम में तैयारी कर रहे थे, अगर आप एग्री करते हो मेरी बातों से कि हाँ अगर रिजल्ट पब्लिश करने में कोई डिफिकल्टी हो या नोटिफिकेशन निकलना चाहिए तो इस वीडियो को इतना शेयर करना, ये टीम जेकेएसएसबी तक पहुंचनी ही चाहिए ताकि वो कुछ ना कुछ उसका स्टेप उठाएं, बाकी आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, हो सकता है कि आपका जो सजेशन वगैरह दोगे या जो भी आप बात करोगे अगर मुझे वो सही लगेगा जन्म लगेगा तो मैं आपको उस कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है, तो बाकी जो भी स्टूडेंट्स मुझे बारे में मैसेज करके बोलना चाहूंगा, देखिए मैं जेकेएसएसबी के टीम का मेंबर नहीं हूं, मैं वहां पर काम नहीं करता, मैं नहीं बता सकता वो रिजल्ट कब तक आएगा, लास्ट के वीडियो में आपको कहा था कि कोविड के चलते कुछ हो सकता है कि वहां पर रिस्ट्रिक्शन रही होंगी, पूरी टीम वहां पर नहीं काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 15-15 तक आप यहाँ पर एटलीस्ट वेट कर लो, उसके बाद हम कुछ ना कुछ करेंगे, तो 15 तक भी हमने वेट किया तो कुछ नहीं आया, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज मुझे मत पूछा कभी कटऑफ कितना रहने वाला है या फिर ये सब क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे पास आपके तो है नहीं है, जहाँ तक कट ऑफ की बात करेंगे, एक जब आपका एग्जाम हुआ था हमने वोटिंग करवाई थी टेलीग्राम चैनल पे भी यूट्यूब चैनल पे भी, उसके बेसिस पर आपको मैंने कट ऑफ के बारे में बता दिया था, अब बार बार वो चीज़ मैं पूछा करो और रिजल्ट के बारे में बताना चाहूँगा, मुझे क्या पता है रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि मैं तभी बात करूँगा ना कि जब ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने होगी कि भाई हाँ रिजल्ट आने वाला है, यहाँ से ऑफिशियल अकाउंट में देखे तो मैं भी बताऊंगा आपको, तो ऐसे तो लोग कहते हैं कि हमने फोन किया था यहाँ पे या हम वहाँ पर फोन कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा वो कहा, उन बातों को मानता नहीं, फोन क्या पता किसको करते हैं वो सारे, बाकी जो भी वीडियो को शेयर करना जैसे भी तक पहुंचा देना, अगर आप चाहते जल्दी रिजल्ट वगैरह है, बाकी हैशटैग कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हैशटैग ये कुछ नहीं होने वाला है, फिलहाल इस वीडियो को शेयर करना उन तक पहुंचा देना, एक छोटा सा मैसेज बना के और बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, थैंक यू।